जय माता दी दोस्तों, LTY चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में हमने देखा कि हमने माता के दर्शन कर लिए हैं, हमने बाथिंग घाट को नहा लिया है। और जिस भी दोस्तों ने हमारी वीडियो को, पिछले व्लॉग को नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और पिछले व्लॉग को देखिए और लुत्फ़ उठाइए उसका। और हमारी पूरी जर्नी माता वैष्णो देवी की कैसी रही वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं माता वैष्णो देवी की। तो हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं हमने, और खाना वाना खा के अब हम बाबा भैरव की चढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। हम उन्हें दर्शन करने हैं, उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि पहले बता दिया गया है, माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपकी पूरी संपूर्ण यात्रा मानी जाती है। तथा अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अभी हम दोस्तों रोप वे से हैं और आप सामने देख पा रहे हो माता वैष्णो देवी का भवन, कितना भव्य नज़ारा है अपने आप में ही, एक सुबह सुबह का टाइम। तो दोस्तों हाँ, रोप वे चालू है, कभी कभी बर्फ़बारी में ये बंद हो जाता है, बाकी हर टाइम ये चालू रहता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। बाकी हम रोप वे से ना जाके हम सीधा अपनी यात्रा पैदल ही चलेंगे, हमने रोप वे से जाना कैंसिल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और व्लॉग में अंत तक बने रहिए दोस्तों। भैरव घाटी 2 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 2 किलोमीटर तो है, बट ये जितना ही देखने में जितना आसान है उतना चढ़ने में और ज़्यादा मुश्किल, और उसके बाद तो और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अब हम ठंडे पानी से नहा चुके हैं, साथ में थोड़ी देर बैठ भी लिए और खाना वाना भी खा लिया, तो उसकी वजह से पैर इतने जाम हो चुके हैं कि यार अब चढ़ने का मन भी नहीं कर रहा वैसे तो, पर चढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी यात्रा संपूर्ण जो करनी है। और इस चढ़ाई में हम स्टेयर्स का भी यूज़ करेंगे और स्लाइडर्स का भी यूज़ करेंगे। जैसा कि अभी हम स्लाइडर से चल रहे हैं, उसके बाद हम स्टेयर्स भी लेंगे बीच में, तो यार उससे कुछ नहीं, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हैं। अब इस चढ़ाई के बीच में ही मैं माता वैष्णो देवी और बाबा भैरव के नाथ के बीच के जो संवाद हैं और क्यों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। ये पहली सीढ़ियाँ हैं दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी की चढ़ाई में, और यहाँ पर दिल के दमे के पेशेंट हैं, यानी श्वास रोग संबंधित किसी को कोई बीमारियाँ हैं, तो श्राइन बोर्ड द्वारा ये सूचित किया जाता है कि इन रास्तों का यूज़ ना करें, या तो वो स्लाइडर के थ्रू जाएं, मतलब सिंपल वाले जो रास्ता है उसके थ्रू जाएं, या फिर आप पोनी ले सकते हो, या फिर आप रोप वे के थ्रू जा सकते हो। बाकी आप सीढ़ियों का सहारा ना ले तो ज़्यादा है, क्योंकि यार ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है वहाँ तक चलते चढ़ते, तो बहुत लोगों का ये देखा भी गया है, मतलब उनकी जो भी तकलीफ़ है वो एक अचानक से बीच रास्ते में ही बढ़ जाती है। थोड़ा सा हो रहा बस, तो देखो इनकी हालत अभी से, देखो मेरी भी देखो, तो सोचो यार दिल के पेशेंट और जो दमे के पेशेंट हैं उनके साथ क्या होता होगा, तो समझ सकते हो। जल्दी आ जाओ यार, कलर टलर टक्के चढ़ रहे हो। हाँ, माउंटेन क्लाइंबिंग बूढ़ों को जल्दी जरूर छोड़ गई। माता के भवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि कई लोग इच्छित मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं, तो कई लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं उसके लिए आते हैं, किसी को न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, और कुछ अपने कष्ट में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हर एक की पुकार माता जी सुनती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि जो भी बाथिंग घाट जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, जिसे भी कोई भी दुख तकलीफ़ हो वो यहाँ पर आके नहाए, और जिन भी वस्त्रों में उन्होंने नहाया है वो उन वस्त्रों को त्याग कर दीजिए, मतलब उन वस्त्रों को उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए जिन वस्त्रों में आपने नहाया, और उसके बाद में आप माता के दर्शन करने के लिए जाइए। और माता के दर्शन के पश्चात आप बाबा भैरव की चढ़ाई
आपकी ओर अग्रसर हो सके। कि आप सामने देख पा रहे हो दोस्तों, ये है रोपवे की ट्रॉलियाँ जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल बीचों बीच। एक ही टाइम पर ये दोनों एक दूसरे छोर से चलती है, एक भैरव घाटी के छोर से चलती है और दूसरी भवन के छोर से चलती है। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत थी वो 2013 में की गई थी रोपवे बनाने की, और ये बनकर तैयार हुआ था 2020 में, जिसमें कि जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और पर पर्सन जो भी इसका फेयर था वो 100 रुपीज़ किया गया श्रद्धालुओं के लिए। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो चढ़ने में सक्षम नहीं होते। जहाँ तक प्रेफरेंस है यंग एज की, तो यंग एज वालों को दोस्तों पैदल चलकर ही जाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्ट्रगल पर जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट कि आप पैदल ही चल कर जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये आपको सिर्फ 5 मिनट में पहुँचा देता है ऊपर, और वैसे अगर आप हाइकिंग करके जाओ, मतलब आप पैदल चल के जाओगे, तो लगभग आपको 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक का समय लगेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इतना भी तो चढ़ के आए हो तो और ज़्यादा थोड़ा सा चढ़ सकते हो। इधर से हट जाना चाहिए ऐसे, अगर आएगी थोड़ी ना गिरेगी तो मारे ऊपर ना गिरेगी। मैं भाग जाऊँगा तो भाग जाए, मैं इस पे लपक जाऊँगा। भैरवनाथ जी की दर्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के बाद, क्योंकि एक मान्यता है, मान्यता के अनुसार बोला जाता है कि जब बाबा भैरव जी जब माता जी के पीछे थे, तो माता जी ने अंत समय में गुस्से में आके माता काली का रूप धारण किया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गुस्से में। तो जो उनका जो शरीर था वो वहीं प्राचीन गुफा के अंदर हीरा रह गया, जिसके ऊपर से सब लोग चढ़कर जाते हैं जब प्राचीन गुफा खुलती है और माता जी के पिंडी दर्शन करते हैं। और जो सर था वो भैरव घाटी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर जाके वहाँ पर विराजमान हो गया। माता की जो शक्तियाँ थी, तो भैरवनाथ जी को उनका आभास हुआ, उनसे माफ़ी भी मांगी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भी माता वैष्णो देवी जी ने उनको माफ़ किया, क्योंकि उनको आखिरी टाइम में उनका प्रायश्चित किया उन्होंने अपनी गलती मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझ तक कौन आएगा, कौन, माता ने वर दिया था उसके बाद में कि आपने अपनी गलती को स्वीकारा है, प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित के लिए तो मैं आपको वर देती हूँ, जो भी श्रद्धालु मेरी दर्शन के लिए आएगा उसको आपके दर्शन भी करने होंगे, और बिना आपके दर्शन किए उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से दोस्तों जो कोई भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आता है वो बाबा भैरव के दर्शन के लिए भी जाता है, अथवा उसके जो भी दर्शन है वो संपूर्ण नहीं माने जाते। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो दोस्तों, ये है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। इससे पहले कि हम इसमें प्रवेश करें, इससे पहले हमें भेंट प्रसाद के रूप में भी कुछ चीज़ें लानी होती है, जैसे कि हम माता वैष्णो देवी भवन में ले जाते हैं टाइम भेंट प्रसाद जो चढ़ाते हैं, यहाँ पर भी 20 रुपये का श्राइन बोर्ड के द्वारा जो दुकान है वहाँ से मिल जाएगी, आपको पीछे वीडियो में देखा भी होगा और आप में से कई लोग जानते भी होंगे, वो लाइए। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अंदर। जाने के बाद अंदर हम आपको अंदर के भी दर्शन दिखलाएंगे। बेसिकली इसके अंदर बाबा भैरवनाथ जी का कटा हुआ शीश मूर्त रूप में मिलता है हमें, उसके दर्शन होते हैं जहाँ पर अगरबत्ती का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो हमने बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद हम पीछे से जा रहे हैं, और आप मंदिर में ही पीछे से ये देखोगे जो जैसा कि आप देख रहे हो बाबा भैरवनाथ जी के वज्र और औजार वगैरह। कुछ लोग यहाँ पर जो अगरबत्ती चढ़ाई जाती है वहाँ से अगरबत्ती की भभूत जो होती है वो भी लाना, मतलब घर पर लाते हैं। अब ये नहीं पता उसका क्या यूज़ होता है क्या नहीं, मे बी कुछ ना कुछ क्रिटिकल कंडीशन में ही काम आती होगी, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा भैरवनाथ जी के, आपकी यात्रा यहीं पर ही संपूर्ण हो जाती है जैसे ही आप बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर यात्रा संपूर्ण हो चुकी है, अब हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, एंटरटेन करेंगे थोड़ा सा। खुर 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 ये जरा सा उंगली ना करो इसकी तरफ को, अरे हो गया क्या, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ ना कंधे करने के, वहां से हमारी छलांग दे, ये लंगुरवीर है बहुत इंच का कुत्ता,
लड़ अरे इसका बच्चा होता है इसका। ये है दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के बाहर का वो चबूतरे का वो नज़ारा, जहाँ से त्रिकुटा पर्वत का ये आप व्यू देख सकते हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी विराजमान है एक पिंडी रूप में, जिसके दर्शन हम कर चुके हैं, आपने पिछले व्लॉग में देखा है। अगर आपने वो पिछले व्लॉग हमारे नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आप लिंक को बाय वन करके आप वो लिंक देख सकते हो। ट्रेन में हम कैसे आए, कैसे आप इस पूरी जर्नी को यात्रा करें, सामने आप देख पा रहे, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाइए। और अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, हमारे लिंक नीचे दे दिए गए हैं या हमारे चैनल के थ्रू जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ ये है कि ये बहुत सारे वन्य जीव हैं यहाँ पे, वानर है, लंगूर वीर है, तो इन सब चीज़ से आप थोड़ा सा खुद को दूरी रखिए, मस्ती मत करिए इनके साथ में। आप खाना खाना है तो इनसे थोड़ा सा छिपा कर खाइए, अगर आपको इनको कुछ खिलाना है तो खिला दीजिए, पर इनके साथ एक्स्ट्रा कोई मस्ती मत करिए, क्योंकि आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनके साथ मस्ती करोगे ये डबल मस्ती आपके साथ कर देंगे, तो इनसे दूर ही रहिए थोड़ा सा, और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखिए। और तो दोस्तों अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, और आगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे यहाँ पर तो हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, बट आगे आपको वो सीन मिलेंगे जो हमने नीचे उतरते टाइम हमने एज ए फन किया थोड़ा बहुत, मतलब यात्रा के बाद। तो इस यात्रा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और आगे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, जय माता दी। किस तरह चल रहा था वो।